नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कौन सा सोशल शेयर बटन सबसे अच्छा है। तो हम चलिए चर्चा करते हैं, सोशल बटन अगर हमें चाहिए, सोशल शेयरिंग ऑप्शन चाहिए अपनी वेबसाइट पे, तो वो कौन सा सबसे अच्छा है। तो हमें सीधे चलना है प्लगइन पे और एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है। ऐड न्यू पे चलते हैं और उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपल है और ये सबसे अच्छा है और ये ओपन सोर्स है दोस्तों। ये देखिए ऐड टू एनी शेयर बटन, ये आपको टाइप करना है यहाँ पे और फिर इसको सर्च करना है। ये दोस्तों जो ये पहला आ रहा है, प्लस का निशान लगा हुआ है, ऐड टू एनी जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। बस हमें सिंपली क्लिक करना है इस पर और इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है इस प्लगइन को, और इसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए अभी इस वेबसाइट पर कोई भी शेयर का ऑप्शन नहीं है, तो हम इस पर शेयर का बटन लगाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको सेटिंग करनी है। तो बस इतना सा करना है आपको, सेटिंग में चलना है। सेटिंग में ऐड टू एनी यहाँ पे नया ऑप्शन आ जाएगा, बस इस पर क्लिक करना है और फिर इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई नया बटन डालना है, कोई नया बटन डालना है, तो आप उसको ऐसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमें चाहिए एक व्हाट्सएप का चाहिए और हम एक पिंटरेस्ट का लगा देते हैं, बस ये पांच चाहिए हमें। हम दोस्तों चाहते हैं कि किसी जगह, किस जगह आपका पोस्ट शेयर हो, तो अगर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। पोस्ट पे चाहते हैं, पेज पे चाहते हैं, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नहीं, मैं फ्लोट में करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से बस आपको सेव कर देना है, बस इतना सा काम करना है। फिर आपको चलना है फ्लोटिंग पे। तो दोस्तों फ्लोटिंग पे चलते हैं। फ्लोटिंग पे सेटिंग क्या करनी है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं और नीचे भी हम राइट कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें हॉरिजॉन्टल बटन पे भी, वर्टिकल पे भी, तो ये दोनों हम राइट करके और फिर इसको सेव कर लेते हैं। देखते हैं हमारी वेबसाइट में क्या क्या बदलाव हुए। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद हम अपने बटन को देखते हैं। ये देखिए यहाँ राइट पर आ गया, तो लेकिन हम इसको चाहते हैं लेफ़्ट में हो जाए, तो हम यहाँ इसको लेफ़्ट में कर देते हैं और इसको हम राइट में रहने देते हैं। सेव कर लेते हैं और फिर इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम बटन को देखते हैं, ये देखिए राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में आ गया। तो चलिए अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है, और ये वाला ए वाली सेटिंग किसकी है दोस्तों, ये छोटे डिवाइस के लिए है, मोबाइल के लिए है, और जो ये 880 पिक्सल के नीचे होंगे, यानी अगर स्मार्टफोन होगा तो ये देखिए इस तरीके का आ जाएगा। तो ये तो राइट साइड से सही है, इसको हमने लेफ़्ट किया है। ये देख, तो दोस्तों हम इसको चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा और गैप बने, स्पेस बने, तो चलिए इसको कैसे कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 पिक्सल है, यहाँ पे हम 250 पिक्सल कर लेते हैं, 225 यानी 225 पिक्सल कर लेते हैं, 225 पिक्सल अच्छा रहेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर कुछ गैप हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे गैप हो गया, ये देखिए अब मिडिल में हो गया, तो अब अच्छा है। अगर आपको सिंपली करना है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट में भी शेयर का बटन आए या पेज में आए, तो आपको स्टैंडर्ड में जा करके यहाँ पे चेक कर देना है। बस यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं, पेज में चाहते हैं और पोस्ट में चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको चेक कर देना है जहाँ जहाँ पर आप चाहते हैं। अगर मेन्यू सेक्शन में चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो बस वैसे सबसे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी, ये सबसे बेहतर है, और यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं कहीं भी, हर जगह के लिए ये अच्छा रहेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये रहा सबसे अच्छा अभी तक जो हमने देखा था, ऐड टू एनी सोशल शेयर बटन सबसे अच्छा रहा वर्डप्रेस के लिए।